चलिए भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। 7 बजे से, अमन नहीं, 7:15 बजे से क्लास है, ठीक है। मैंने आप लोगों को नोटिस भी डाला था और बताया भी था, 7:15 से क्लास आप लोगों की होगी, 7:15 से। चलो, आज हम लोगों की सेकेंड डे क्लास है और डे टू। देखो, ध्यान से हमारी बात समझ लो। कल हम लोगों ने जान लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, ये तो हमने क्लियरली समझ लिया था, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, मैं आशा करता हूं आप लोगों को। दूसरी चीज, आज हम लोगों की जो क्लास है वो ये होनी है। पहली चीज तो हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के फुल फॉर्म से ही बहुत सारी चीजें निकल आती। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हम लोगों का डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, सारी चीजें हम लोगों के फुल फॉर्म से निकल जाती है। तो इन्हीं फुल फॉर्म्स को थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल्स में जानना है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली वर्क कैसे करता है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है सी, दूसरा आता है आपका ओ, तीसरा आता है आपका एम, तीसरा आपका आता है, चौथा आता है पी, ठीक है। और उसके बाद आता है यू, फिर आता है टी, फिर आता है ई, फिर आता है आर, ठीक है। ये होता है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब हम इनके फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो होता है आपका, वो एक मशीन, यांत्रिक मशीन है, जो कि हम लोगों का बेसिकली वर्क करने का काम करता है। हाँ, बात समझ में आई? देखो, अब ध्यान से हमारी बात समझो। सी का मतलब होता है क्या भाई? सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आम तौर पे। किसके नाम से जानते हैं जी? आम तौर पे। यानी कंप्यूटर बेसिकली कॉमनली हर जगह यूज होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड लेवल पे यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड पर्पस से यूज किया जाता है, कॉमनली हर जगह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। दूसरा आपका होता है ऑपरेटेड। क्या होता है? ऑपरेटेड। आपको एक चीज पता है कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करता है। क्या करता है? ऑपरेट मतलब कोई भी अगर मशीन है, कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी अगर मशीन है, तो किसी भी मशीन को हमें क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है। अपने से नहीं चलता। अगर आप कहो कि मोबाइल अपने से चलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? मोबाइल को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? एक यूजर की आवश्यकता पड़ती है, एक इंसान की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम लोग शुद्ध भाषा में ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। और इसी ऑपरेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संचालित करने वाला, या कह सकते हैं संचालक। किसके नाम जानते हैं? संचालक के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटेड के नाम से जानते हैं। जो ऑपरेटर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है जी। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम लोग थोड़ा सा इसमें। तो एम का मतलब होता है मशीन। क्या होता है जी? मशीन। और मशीन को देखो, हिंदी में यंत्र के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में लोग इसे डिवाइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? इंग्लिश में लोग इसे डिवाइस के नाम से जानते हैं, यंत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को।
और कंप्यूटर एकदम, ये तो क्लियर है मामला कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो क्लियर है ना, इसमें थोड़ी कोई डाउट है। अगर कोई डाउट भी है तो डाउट ना रखना, इतना जान लो कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। पी मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, क्या होता है जी, पर्टिकुलरली। और पर्टिकुलरली का हिंदी मतलब होता है विशेष रूप से। किसके नाम जानते हैं हम लोग, विशेष रूप से, यानी कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में हमारा जो पी वर्ड आता है इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। किसके नाम जानते हैं, पर्टिकुलरली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से। एक बात एकदम क्लियरली समझ लो कि कंप्यूटर हमेशा से किसी भी कार्य को विशेष रूप से ही करता है, मतलब कोई भी नॉर्मल अपने से काम नहीं कर सकता, उसे करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी यूजर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी न किसी ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पड़ेगी, देन हमारा कंप्यूटर क्या करता है, चलता है। तो ये क्या होता है, किसी भी विशेष कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, हमें जब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तब तक हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। बात समझ में आई, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है यू। यू का मतलब क्या होता है जी, यू का मतलब होता है यूज्ड, और यूज्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयुक्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रयुक्त के नाम से। अब भाई कंप्यूटर तो हर जगह यूजेबल है, इतना तो कॉमन सी बात है, आप जानते ही हो, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तकनीकी के नाम से जानते हैं। एक बात जान लो, अगर कंप्यूटर का मामला कहीं भी आगे बढ़ा है ना, तो ये क्लियरली समझ लो कि बिना तकनीकी से कोई काम ही नहीं होने वाला। किसी भी काम को आप करोगे तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे ही होता है। कंप्यूटर की प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अपडेट हो रही है, आगे बढ़ रही है, यूज कर रहे हैं लोग, आगे बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि अगर ये अपडेटेड नहीं होगा तो ये बात तो क्लियरली है भाई कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी, ठीक है, तो उसी दिन मामला रुक जाएगा और वहीं पे द एंड हो जाएगा कंप्यूटर का। इसी वजह से ये डे टू डे यानी कि रोजाना डेली क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ध्यान रखना इस चीज को। ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल। एजुकेशनल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शैक्षणिक। किसके नाम से जानते हैं जी, शैक्षणिक के नाम से जानते हैं। एजुकेशनल की बात अगर हम लोग करें तो ये भाई शिक्षा से कोरिलेशन है इसका, और शिक्षा से रिलेशन अगर नहीं होता तो आप ना तो पढ़ने आते और ना हम आपको पढ़ाने आते। वहां समझ में आई, यानी पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मतलब शिक्षा से है। शिक्षा है तभी हम हैं और आप, स्टूडेंट के रूप में हैं हम, टीचर के रूप में हैं हम, आपको पढ़ा रहे हैं, आप आगे पढ़ोगे, फिर अपडेट होगे और आगे पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे, फिर आप क्या करोगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, एप्स बनाओगे, सारी चीजों को मेंटेन करोगे, बढ़िया एक सैलरी पाओगे, ठीक है, ओके। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिसर्च, और रिसर्च को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसंधान के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं भाई, अनुसंधान के नाम से जानते हैं। बिना रिसर्च के तो कोई काम ही नहीं होने वाला, इसको एकदम डन कर लो, चलो अच्छी बात है, हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है सारी चीजों पे। अब हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वो आपका हो जाएगा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही मस्त और सबसे छोटी टॉपिक है दुनिया की, जिसको सब लोग जानते हो। बेसिक यानी कि कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं इस कंप्यूटर के अंदर जिनका यूज हम लोग करते हैं, और जिनके बिना, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो कंप्यूटर ना चलेगा। ये मतलब इसमें जितनी भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें क्या है, हम लोगों की इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि बेसिक कौन कौन से पार्ट्स हैं हम लोगों को, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, देखो भैया ड्राइंग हमने लंदन से सीख के आए हैं, ठीक
ठीक है, बहुत अच्छी बनाते हैं, कोई भी मजाक नहीं बनाएगा हमारे ड्राइंग का, ठीक है। हाँ, ड्राइंग हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, क्लियर, तो कोई भी मजाक नहीं बनाएगा हमारे ड्राइंग का। चलो अच्छी बात है, देखो इतना तेज हम बनाते हैं कि समझ लो कोई नहीं इतना तेज बना सकता, और हम लोगों के बेसिक जो है वो है आपके 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स। देख लो ड्राइंग बन के तैयार, मस्त एकदम झकास, ठीक है। अब समझो यहां पे सबसे पहला है आपका मॉनिटर, क्या है आपका मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का काम क्या होता है? बेसिकली मॉनिटर का काम होता है किसी भी चीज को डिस्प्ले देना। क्या करना? किसी भी चीज को डिस्प्ले देना, किसी भी चीज को दिखाना ही हमारा किसका काम होता है? मॉनिटर का काम होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? एकदम, बहुत अच्छी बात है। तो मॉनिटर बेसिकली किस पे वर्क करता है? ये किसी भी चीज को दिखाने पे काम करता है, किसी भी चीज को समझने पे काम करता है। हम कोई भी चीज करते हैं, अगर हमें डिस्प्ले ही ना मिले तो हम अंधाधुंध थोड़ी करेंगे। हमको अगर व्हाट्सएप चैटिंग करनी है और हम चैट टाइप तो कर रहे हैं लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपके मोबाइल में डिस्प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट डिस्प्ले यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबको हिटकी वाली मोबाइल चाहिए, बड़की वाली मोबाइल, टच स्क्रीन है चाहिए, कोई छोटी वाली चलाएगा नहीं। हाँ, हाथ दर्द करने लगता है, अगर लिखना हो आर एफ तो पता चला 5 बार दबाना पड़ेगा, ए को तब जा करके ऐसा आएगा, डी आएगा। हाँ, समस्या बहुत होती है। तो इस वजह से क्या होता है, सब लोग टच स्क्रीन चलाते हैं, और अगर स्क्रीन गई तो गएंगे दुकान में 5,000 रुपये बनवा के लेके आएंगे फ्री में, और अगर बाद सांस चलेंगे, तो ऐसा होता है। तो ये मॉनिटर हो गया, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीपीयू। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसके नाम जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो हमारा सीपीयू होता है वो हम उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये सीपीयू के बिना कंप्यूटर हमारा चल ही नहीं सकता। जैसे हमारी शरीर है, अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो ये इतनी बड़ी शरीर होने का क्या फायदा? बात समझ गए? समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि हम लोगों का दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? ये आपका क्या होता है? सीपीयू होता है। बहुत अच्छी बात है। चलो तीसरा हमारा होता है यूपीएस। क्या होता है? यूपीएस। इसको हम लोग कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब पावर सप्लाई का मतलब आप इतना तो जानते ही होंगे कि बिजली से रिलेटेड कोई भी काम होगा तभी इसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब होता है कि ये इट्स जस्ट लाइक इन्वर्टर। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है? बिजली का बैकअप बना के रखना, और जैसे ही बिजली कटती क्या करता है? ये बैकअप पे काम करता है। यही तो होता है भाई, कि और कोई काम होता है इन्वर्टर का? और कोई काम नहीं होता है। बात समझ में आई? इन्वर्टर का सिर्फ इतना काम होता है कि जैसे ही बिजली गई वो बिजली का बैकअप बना करके रखे रहेगा, और जैसे ही बिजली गई वो क्या करेगा? आपका मेंटेन कर देगा। यही तो होता है इन्वर्टर, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो एकदम सेम थिंग ऐसे ही यही यूपीएस भी होता है। यूपीएस क्या करता है कि बिजली जाने के बाद कंप्यूटर को 5 से 10 मिनट तक ये चलाने का काम करता है, उसे मैनेज करने का काम करता है, और ये शट डाउन नहीं होगा 5 मिनट तक। इस वजह से आपका यूपीएस लगाया जाता है। लेकिन ये दिन भर वाला नहीं होता इन्वर्टर, बड़ा वाला बैटरा नहीं होता, छोटा सा होता है बैटरी इसमें लगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये ना सोच लेना कि इसमें बड़का बैटरा लगता है और महीने भर चला लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। महीने भर नहीं चला पाओगे। बात समझ में आई? इसको आप महीने भर नहीं चलाओगे, 5-10 मिनट मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात। इसके बाद आपका चौथा होता है क्या? जिसको हम लोग माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माउस के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम लोग चूहा के नाम से जानते हैं। और आपके घर में चूहा है ना? आपके घर में चूहा तो होगा ही। एकदम जैसे आपके घर का चूहा है वैसे ही हमारे कंप्यूटर का भी चूहा होता है। आपके घर का भी चूहा क्या करता है?
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करने का काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ने का काम करता है, उसे कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है, ये तो करता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्या करता है चूहा, ये किसी भी पर्टिकुलर लिंक को, कभी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ये क्या करता है, क्लिक करने का करता काम करता है। इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करना, ठीक, क्या होता है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद पांचवा आपका क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। और कीबोर्ड का मतलब होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को टाइप करने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, अगर हम डिफिनिशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है अल्फाबेट प्लस नंबर। अल्फाबेट कितने होते हैं, अब ए बी सी डी तो याद है, होगा ना, याद होगा तो शर्म से डूब मरना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए टू जेड हमारा क्या होता है, अल्फाबेट होता है, और उसके बाद जीरो से लेकर के नौ तक हमारा क्या होता है, क्या होता है, जीरो से लेकर नौ तक नंबर्स होते हैं, यानी कि 26 अल्फाबेट 26 होता है जी, याद होगा आप लोगों को, वैसे मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 26 अल्फाबेट्स और आपके 10 नंबर्स, यही आपके काम करते हैं। किसके अंदर? कीबोर्ड के अंदर। उसके अंदर बहुत सारी स्पेशल कीज भी होती हैं, फंक्शन कीज भी होती हैं, मल्टीमीडिया भी कीज होती हैं, लेकिन जो बेसिकली कहा जाता है, जो डिफिनीशन हम लोग सुनते हैं, जो डिफिनीशन हम लोग बुक और इंटरनेट पे देखते हैं, वो हमारा ये होता है कि किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए हमारा क्या होता है, उसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियरली समझ में आ गई बात? आ गई तो कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि सर हमें बात समझ में आ रही है, तभी हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, ध्यान रखना, सबके कमेंट्स आने चाहिए भाई, ऐसे नहीं काम चलने वाला, कमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारे बेसिक पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के। किसके हो गए? हमारे बेसिक पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, कुछ कंप्यूटर की अच्छाइयां बुराइयां भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, देखो अगर मैं कंप्यूटर के एडवांटेजेस की बात करूं, कुछ अच्छाइयों की बात करूं, तो कौन कौन सी अच्छाइयां बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हम लोग पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अगर हम अच्छाइयां की बात करें तो अच्छाइयां तो बहुत हैं, लाखों हैं, बात समझ में आई। मॉनिटर चार प्रकार का होता है, वो जब इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपका एलसीडी क्या होता है, टीएफटी क्या होता है, आपका सीआरटी स्क्रीन क्या होता है, एलईडी क्या होता है, ओएलईडी क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वो आउटपुट डिवाइस का एक टॉपिक है मॉनिटर। चलो, अब इसमें थोड़ा हम लोग अच्छाइयां की बात करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी अच्छाई होती है उसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूरेसी। किसके नाम से जानते हैं? एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता की अगर हम लोग बात करें, तो शुद्धता का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी भी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करता। गलती कौन करता है? इंसान करता है, हम आप करते हैं, कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। ध्यान रखना इस चीज को, अगर उसके अंदर आप 2+2 डालोगे तो 4 ही आएगा, लेकिन हम लोग मनगढ़ इंसान हैं, हम लोग 22 लिख सकते हैं। क्यों भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है, हम लोग सोचते बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग सोचते बहुत ज्यादा है, हम अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या है आपका, ये एक्यूरेसी जो है वो कंप्यूटर कितनी होती है, 100% होती है।
क्लियर बात समझ में आई? कितनी होती है? 100. कंप्यूटर ऑलवेज गिव रिजल्ट विथ 100% एक्यूरेसी. अगर आप लिखना चाहो, ऐसे नोट्स जो कंटेंट में अपलोड हैं, उन नोट्स को आप देख सकते हो, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है. लेकिन यहां पे भी चीजों को हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ लिखवाते भी रहेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो. तो सबसे पहले जो होता है, कंप्यूटर ऑलवेज गिव रिजल्ट विथ 100% एक्यूरेसी. यहां पे हम लोग कह सकते हैं गिव रिजल्ट विथ 100% एक्यूरेसी, यानी कि क्या है, कंप्यूटर हमेशा हम लोगों को 100% शुद्धता के साथ निर्णय देने की कोशिश करता है, परिणाम देने की कोशिश करता है. कौन? हम लोगों का कंप्यूटर. ध्यान रखना इस चीज को. जो दूसरा आपका होगा वो क्या हो सकता है, दूसरे को हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी. क्या कहेंगे भाई? सिक्योरिटी कहेंगे. अब सिक्योरिटी क्यों नहीं कहेंगे? अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कंप्यूटर अगर सिक्योर ना रखे, मोबाइल हम लोग सिक्योर ना रखे, तो दिन भर वीडियो कॉल से बतियाते हो है? और फंस ना जाओगे, घर वाले डिटेल ना निकाल लें किससे बात कर रहे हो, तब क्या करोगे? फंस तो जाओगे ना. तो मोबाइल सिक्योरिटी रखती है, ठीक है. आप क्या चैटिंग कर रहे हो, कौन कौन सी फोटोज आप अपने मोबाइल में रखे हो, कौन कौन सी वीडियोज आप अपने मोबाइल में रखे हो, सोचो अगर घर वाले को पता चल जाए तो क्या होगा, क्या होगा? आग लग जाएगी, समझ लो. अब धुआं आएगा प्रयागराज तक, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं. तो अगर सिक्योरिटी ना हो तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं. इस वजह से क्या है, कंप्यूटर ऑलवेज ट्राई टू सिक्योर आवर डेटा. ध्यान रखना इस चीज को. यह क्या करता है, अपने डेटा को सिक्योर आवर डेटा, हमेशा कोशिश करता है कि क्या करे ये आपका, हमारे डेटा को सिक्योर करने का काम करता है, सिक्योर रखने का काम करता है. ध्यान रखना इस चीज को. अगर सिक्योर ना रखे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा फिर, समझ लो घर वालों को, हाँ डर के रहा करो. फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, तीसरा है आपका मल्टीटास्किंग. क्या है जी? तीसरा है आपका मल्टीटास्किंग. अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूं तो कंप्यूटर ऑलवेज एक साथ कई कार्य को करता है. बात समझ में आई? कंप्यूटर क्या करता है, एक साथ कई कार्य को करता है. कई कार्यों का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब कि जैसे एक बार में आपने गाना भी मोबाइल में बजा दिया, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं साइड में करके, मतलब आप चाहो तो एक बार में कम से कम 10 काम तो कर ही सकते हो. क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो आपका मल्टीटास्किंग होता है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम. ध्यान रखना इस चीज को. यहां पे हम लोग एक चीज चाहे तो लिख भी सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम. यानी इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर एक बार में मल्टीपल टास्क को क्लियर करने का काम करता है. एक बार में क्या करता है, मल्टीपल टास्क पे काम करता ही ना कि एक का काम को लेके बैठ गया और रो रहा है, हाँ ऐसा नहीं है. बात समझ में आई? एक बार में ये कई कार्यों पे मतलब कई एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करता है. कौन करता है आपका? ये कंप्यूटर करता है, हम नहीं करते, हम तो एक ही काम कर सकते हैं. बात समझ में आई? कंप्यूटर क्या करता है, एक साथ कई कार्य को करने की कोशिश करता है भाई. और क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टोरेज की बात कर लो. किसकी बात कर लो? स्टोरेज की बात कर लो. अगर हम स्टोरेज की बात करें, किसकी स्टोरेज की बात करें, भंडारण की बात करें, तो स्टोरेज में क्या होगा, क्या होगा स्टोरेज में? स्टोरेज का मतलब होता है इट्स लो कॉस्ट सॉल्यूशन. क्या कहते हैं हम लोग इसको? लो कॉस्ट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं कि जो आपका कम पैसे में ज्यादा डेटा स्टोर करने का काम करता हो. क्या करता हो? ज्यादा डेटा स्टोर करने का. हाँ
लास्ट में ड्राइव लिखा है आपने, टाइम टाइम लिखा है, ड्राइव नहीं लिखा है, टाइम लिखा है भाई, ठीक है। हाँ ओके, तो ये स्टोरेज क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इट्स लो कॉस्ट सोल्यूशन। किसके नाम से जानते हैं? इट्स लो कॉस्ट सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये कम पैसे में, अब आप सोचो कि 3,000 रुपए में आपको 1 TB का हार्ड डिस्क मिलेगा। किसका मिलेगा? हार्ड डिस्क मिलेगा, 1 TB का हार्ड डिस्क आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगा, और जिसमें आप अपने पूरे खानदान, पूरे जिला का डेटा भी अगर रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आई? पूरे खानदान का डेटा ला करके रख लो, कौनो समस्या नहीं होगी, तब भी ना भरने वाला। बात समझ में आएगी? नहीं आई तो क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर और भी चीजें होती है, जैसे कि एक होता है आपका स्पीड, क्या होता है जी, स्पीड होता है। गति की बात कर लो तो कंप्यूटर की गति तो भाई बहुत तेज होती है, ये लोगों की दुर्गति कर देगा, इतनी तगड़ी इसकी गति होती है। बात समझ में आई? इसकी गति इतनी भयानक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहां पे ये एक्चुअली में गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और 1 GHz इज इक्वल टू 10^9, और 10^9 का मतलब होता है 10 के बाद 9 0। क्या होता है आपका? 10 के बाद 9 0 होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्पीड मापा जाता है, ये आपका गति मापा जाता है। क्लियर? क्या मापता है? गति मापा जाता है। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? स्पीड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? स्पीड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम वर्षा टाइल की बात करें, किसकी बात करें? वर्षा टाइल की बात करें तो सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिकता इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब होता है ऑलराउंडर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं ऑल राउंडर। हम लोग इसको ऑल राउंडर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर आज के समय में कहां बचा हुआ है, कहां इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कंप्यूटर कहीं नहीं बचा हुआ है, हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल होगा भी। ध्यान रखना, अब तो कंप्यूटर के बिना रात में नींद नहीं आती है। ससुरा अगर मोबाइल ना रहे तो रात में नींद ना आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुड नाइट का मैसेज ना हुआ तो सुबेरे झगड़ा हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं है ना, तो इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। और जानते हो, दिन खराब चला जाएगा फिर अगर गुड नाइट मैसेज नहीं आया तो सुबह कलेश पैदा होगा और बवाल होगा। इंटरनेट भी नहीं चला तब भी समस्या आ सकती है और दिन आपका खराब चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारोगे। लेकिन ये सब ना करने की जरूरत है, कंप्यूटर सबको मैनेज कर लेता है। बात समझ में आई? इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया। और मोबाइल, अरे बाप रे, मोबाइल का तो पूछो मत। इस ससुरा जॉन जॉन वो फिल्टर लग जाता है ना, करिया छछुन्नर लड़की, बाप रे बाप, ऐश्वर्या राय फेल हो जाती है। तो ये सब कंप्यूटर की देन। अगर कंप्यूटर ना हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये इसकी अच्छाइयां हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या है? इनकी अच्छाइयां हैं। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बुराइयों पे, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या क्या आएगा? देखो तो वैसे तो बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, लेकिन हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है वायरस। देखो एक बात जान लो, वायरस इतना खतरनाक चीज है ना, वायरस इतना खतरनाक चीज है कि एक ठू आया ससुरा और पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। लोगों के दिमाग में भी अगर वायरस फैल गया ना, अरे बाप रे, ई हमका ऐसे कहत हैं, अब का होएगे, अब वो टेंशन पाल ले। अब वो जब टेंशन पाल लिए, तुम कितनो अच्छा काम कर दोगे, समस्या फैल जाएगी। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है।
कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस बहुत फैलता है। एक बार वायरस आ गया आपके पूरे डेटा को डिलीट कर देगा, फिर आप डेटा में नहीं पाओगे। एक वायरस आया पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया, हिला के रख दिया कि नहीं रख दिया भाई, बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये वायरसेस है, ये क्या है आपके वायरसेस हैं, जो कि अगर आपको मिल गए तो कहानी आपकी बदल देंगे। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई बुराई है तो वो है आपकी वायरस। क्या है जी, आपका वायरस, वायरस के बिना काम नहीं चलने वाला, और वायरस ना रहे तो एंटीवायरस ना बिके, ध्यान रखना। इसके बाद आपका होता है ऑनलाइन साइबर क्राइम। क्या होता है जी, ऑनलाइन साइबर क्राइम। देखो अगर हम ऑनलाइन साइबर क्राइम की बात करें तो आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोगों का ऑनलाइन डेटा चुरा लेना। मतलब कोई फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा है, उसको अपना कुछ अगर ड्राफ्ट में चुरा के रखा हुआ उसका गायब कर दो। जैसे पहले टिकटॉक चलता था ना, टिकटॉक टिकटॉक, हाँ टिकटॉक में क्या होता था, जो अच्छी वीडियो बनाते थे उसको हम लोग पब्लिक कर देते थे, जो थोड़ा बुरी वीडियो है, थोड़ा सा ड्रेस व्रेस सही नहीं है या प्रॉब्लम और भी कुछ है, तो ओके ससुरा लोग कर देते थे ड्राफ्ट में। हाँ? जब ड्राफ्ट में रख दे, ओका कौन है अगर कई लेस तब का होगा, तब तो आपकी सारी पर्सनल डेटा गई। तो वो आता है ऑनलाइन साइबर क्राइम के अंदर। बात समझ में आएगी नहीं आई, आप जितनी भी प्राइवेट चीजें अपने मोबाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे रखते हो ड्राफ्ट में, उसको मत रखा करो। बात समझ में आई, आप उसे डिलीट कर दिया करिए, ध्यान रखिए इस चीज को हमेशा मत रखा करिए, क्योंकि कभी भी आपका मोबाइल हैक हो सकता है। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, एकदम बढ़िया से सुनना, इंटरनेट की दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हैक नहीं हो सकती। यहां तक कि ब्लॉकचेन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक वेबसाइट, सबसे ज्यादा सिक्योर वेबसाइट माना जाता है, उसको भी हैक किया जा सकता है। तो आप किस खेत की मूली हो, कोई खेत की मूली नहीं हो, आपका मोबाइल तो ऐसे चुटकी में हैक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हैक नहीं हो सकती, इस चीज को क्लियरली समझ लो। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, हैकिंग, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति दूर बैठ करके आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को या किसी भी अन्य डिवाइस को बिना आपके परमिशन के अगर इस्तेमाल करता है तो उसको हम लोग हैकिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हैकिंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। बिना किसी, बिना आपके परमिशन के सामने वाला व्यक्ति अगर आपके मोबाइल फोन को, आपके किसी सोशल नेटवर्क को या आपके डिजिटल डिवाइस को यूज करता है तो वो हमारा हैकिंग के अंदर आता है। और आज के समय में तो हैकिंग आम चीज हो गई है, सब मतलब नॉर्मली किसी का भी फेसबुक हैक हो जा रहा है, किसी का व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है, किसी का इंस्टा हैक हो जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपका क्या है, हैकिंग भी इसी के अंदर आता है। और भी एक दो चीज जान लो, क्या कहते हैं, कंप्यूटर हैव नो आईक्यू, इसके पास कोई आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। और कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स, यानी इसके अंदर क्या है, फीलिंग्स नहीं होती है। फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स में क्या होता है आपका, जैसे अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो हम लोगों का जो फीलिंग्स है, जैसे मान लो पकौड़ी छन रहा है घर में पकौड़ा, हम लोगों को पता चलेगा, आपके मोबाइल को थोड़ी पता चलेगा। अगर मशीन को पता चल जाए ना कि का होने वाला है, या ये हमारा है, दूसरे का है, ये हमारा है, दूसरे का, अगर मशीन को जिस दिन पता चल गया उस दिन आपका जीना तो हराम कर देगा। बुलडोजर को अगर पता चल जाए कि नहीं ये हमारा मकान है, कभी गिराएगा उसको, नहीं गिराएगा, और नहीं तो जो ड्राइवर बैठा है पहले उसी को पलट देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस वजह से मशीन के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, मशीन किसी भी चीज को सोच नहीं सकता है, मशीन किसी भी चीज को समझ नहीं सकता है। कंप्यूटर को कहते हैं कंप्यूटर इज मेंटल, क्या कहते हैं, कंप्यूटर इज मेंटल, कंप्यूटर एक पागल होता है,
क्लियर। कंप्यूटर क्या होता है? पागल होता है। तो ये पागलपंती वाला भी काम भी करता, जितना हम कहेंगे उतना करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करने वाला। अपने मन से कंप्यूटर आपका कुछ भी नहीं करने वाला, जितना हम कहेंगे, जितना आप कहेंगे उतना ही काम करेगा। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि घर में आग लग गई और कंप्यूटर जाकर के आपको बुझा देगा, तो कुछ नहीं। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटीज वो आपका कर पाए। बात समझ में आई? ये आपकी तीन टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़े हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, दूसरी टॉपिक हमने पढ़ी है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तीसरी टॉपिक पढ़ी है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और चौथी टॉपिक हमने पढ़ा है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखना, चार टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया, ठीक है। आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट हम लोग कल लेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे की टॉपिक्स को एक एक करके। सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, डिटेल्स में जानने वाले हैं, और बहुत मजेदार क्लास होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पे बातें कम काम ज्यादा होता है, यहाँ पे क्लासेस ज्यादा चलती है। जो चीजें मैंने आपको इतने कम समय में दे दिया, वो चीजें मैं शायद दो तीन क्लास में देता हूँ। पीडीएफ आप लोगों को आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लाइव क्लास लाइव नोट्स में मैं आज अपलोड करवा दूंगा अभी, ठीक है। उसमें आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके भाई, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर अपनी क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।